नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एसआर टीवी गाइड पर एक बार फिर से स्वागत है। इस वक्त को जो है अपडेट लेकर आए हैं ई ऑक्शन में एप्लीकेशन सबमिट चैनल। जी हां दोस्तों, जितने चैनल ने एप्लीकेशन सबमिट किए उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर हम आ चुके हैं कि आखिर अब तक लगभग हमारे लिए जो है इस वक्त टाइम हो रहा है 2 से ऊपर हो चुका है। तो आखिर जो है 2 बजे तक कौन कौन से चैनल्स के नाम निकल कर आ रहे हैं जिन्होंने MPG 4 में होने वाली ई ऑक्शन 60वीं उसमें जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया है, जो कि आपको 28 जून के दिन ई ऑक्शन प्रसार भारती की तरफ से की जा रही है 60वीं। तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे चैनल पर आपको DD फ्रीडी DTH और सीरियल संबंधित सारी अपडेट मिलती रहती है। तो कुल मिलाकर अगर 60वीं ई ऑक्शन की बात करें तो सोर्सेज के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं अभी तक कौन कौन से चैनल ने एप्लीकेशन सबमिट की है, तो इसमें फ़िलहाल इंडिया न्यूज बिजनेस, जैसा कि हमने आपको बताया था, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर आपका है 9X जलवा, नंबर 3 पर है न्यूज लाइव जो कि नया चैनल लॉन्च हुआ है, तो एक और उसके अलावा जो है साधना TV चैनल का भी नाम सामने आ रहा है। तो कुल मिलाकर इन चैनल ने एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। फिलहाल ये जो आज एप्लीकेशन सबमिट करेगा वही जो है 28 जून की ई ऑक्शन में भाग लेगा और उनमें से जो चैनल स्लॉट जीतेगा वही आपको DD फिर उस पर देखने को मिलेगा। और जो भी चैनल स्लॉट जीतेंगे वो आपको 4 जून की रात 12 बजे ऐड किए जाएँगे, यानी कि 5 जुलाई से ऐड किए जाएंगे, 4 जुलाई की रात को ऐड किए जाएंगे, जून नहीं जुलाई इसके लिए जो है। और आपको हम बताते हैं कि ये ई ऑक्शन में 2 ही चैनल नए आएंगे, बाकी आपका कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए अपडेट पाने के लिए, और भी खबर आएगी आपके पास तुरंत अपडेट पहुँचाएँगे। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।